अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरा खुदा जाने की अगली एपिसोड में रूही पर तो बहुत ज़्यादा तरस आ गया है। वलीद का इकरा की तरफ माइल होना रूही को परेशान कर रहा है, इसलिए रूही इकरा से पूछती है कि ये सूट तुम्हें वलीद ने दिलवाया है। और वो जो पहले ही हमदर्दी की ढाल के पीछे रूही को अच्छी तरह जलाने का काम कर रही थी, खुश होकर कहती है कि ये सूट ही नहीं, मैचिंग ईयर रिंग चूड़ियाँ सब वलीद ने ही दिलवाया है। वलीद जो इकरा के नाम पर ही चिढ़ जाता था, इतनी तब्दीली सिर्फ रूही की माजूरी की वजह से, और ये बात रूही को अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। इकरा की माँ जो उसे मुफ्त के मशवरे फ्राहम कर रही थी, उसकी मायूसी भरे फ़ोन से चिढ़ती है, जिस पर इकरा उन्हें बताती है कि रूही अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। और वो जो कुछ हद तक वलीद को अपने कमरे में आने पर मजबूर कर चुकी थी, फिर से मायूस हो जाती है, क्योंकि वलीद को एक बार फिर से रूही की मोहब्बत अपनी तरफ खींच लेती है। और वो इकरा से कहता है कि रूही का जूस दवाई सब का ख्याल रखना। इकरा की माँ ऊपर से टपक पड़ती है और गुस्से से कहती है क्यों ये इसकी नौकर है। रूही वलीद का बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उसका चिड़चिड़ापन वलीद को उससे दूर और इकरा के पास लेकर जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वलीद इकरा के पास चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।